मैं हिंदू धर्म में पैदा हुई। मेरी माँ जया सावंत, मेरे डैडी आनंद सावंत। फिर मेरी माँ जो है जीसस में बिलीव करने लगी। हम लोग बॉर्न क्रिश्चियन तो नहीं है, लेकिन माँ के साथ पूरा पूरा घराना जुड़ा रहता है। जैसे माँ बिलीव करने लगी तो मैं भी बिलीव करने लगी। तो हिंदू से जीसस में बिलीव करने लगी। शादी मेरी एक मुस्लिम लड़के से हुई। तो शादी निकाह होने के बाद क्या मेरा फर्ज नहीं बनता है कि मैं इस्लाम धर्म की रिस्पेक्ट करूं, मैं नमाज पढ़ूं? पति ने जो मुझे निकाह जब कराते हैं, कबूले कबूले के साथ साथ ला इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह वो पढ़ाते हैं, तो क्या मैं नमाज ना पढ़ूं? नमाज पढ़ना भी मुझे आदिल ने सिखाया। वो मुझे कहते हिंदू थी, ये हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है। ये मैंने आपको बताया। मैं शॉक हूं। यही मीडिया है ना जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया था, यही मीडिया है ना जिसको मैंने सारे सबूत दिए थे। ना मेरा माँ है, ना बाप है, ना इस दुनिया में कोई है। मैं सालों से मीडिया में हूं। किसका बिगाड़ा है मैंने? कभी किसी का नहीं बिगाड़ा, किसी के साथ बुरा नहीं किया। सारे सबूत हमेशा आपको देते गए। आपको सारे सबूत देने के बाद भी आप लोग आंख बंद करके कैसे बोल सकते हो कि आप तो बेगुनाह थे, छह महीने अंदर रहे? क्या हमारे देश का कानून आप लोग उनको ललकार रहे हो कि वो लोग ने आदिल को बगैर सबूत के ऐसी 6 महीने डाल दिया? क्या मेरे पास कोई सबूत नहीं थे? आदिल ने मुझ पे इतने मार पिटाई करी थी, शादी के 1 महीने के बाद ही मार पिटाई शुरू हो गई थी। लेकिन मैं तो हूं राखी सावंत ना, कॉन्ट्रोवर्शियल गर्ल, कौन मानेगा मेरी बात? कौन मानेगा मेरी बात? नीचे इंस्टाग्राम हर जगह लिखते हैं, अच्छा पहला पति था, इसका तो घर कभी नहीं बसेगा, अभी तो शादी भी नहीं हुई, पहले लिख के आ जाता, इसका तो घर कभी, इसको भी छोड़ेगी, इसको भी लूट लेगी, पहले ही, अभी तो शादी भी नहीं हुई, पहले से ही बोलना शुरू कर देते हैं लोग। आदिल से मेरी शादी हुई कौन से सकम चांसेस में हुई? इन्होंने प्लान किया था, शैली जो है आदिल की उस टाइम पे सिस्टर थी शैली, आज वो उनको दोस्त कहते हैं और दुश्मन कहते हैं।